एरवावी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। हवा कितनी महत्वपूर्ण है पर दिखती नहीं। कहानी का शीर्षक है हवा। ओरिजिनल मराठी स्टोरी है वारा, लेखिका माधुरी पई, चित्र बनाए हैं रिजुता घाटे और हिंदी में अनुवाद किया है मीनाक्षी मुखर्जी। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। नहाते समय मज़ा आता, गीला बदन ठंडा लगता, ऐसा कैसे होता? ये है हवा। गरम दूध रखा कटोरी में, हो गया ठंडा थोड़ी ही देर में, ये कैसे हुआ? हवा हवा। खिड़की के पर्दे उड़ने लगते, पास जाऊं तो मुझसे चिपकते, किसने किया ऐसा? ये तो है हवा। बिजली चमकी, बादल आए, आया तूफान, धूल उड़ाए, ये सब कैसे हुआ? हवा और क्या। टहनी हिली, पत्ते हिले, देखते देखते फूल गिरे, कैसे हुआ? ये है हवा। आंगन में जमकर खेल रहे थे, लड्डू की खुशबू अचानक महके, ये कैसे हुआ? हवा हवा। शीशे का प्याला था खिड़की पर, चकनाचूर अब नीचे गिरकर, मैंने तो ये नहीं किया, बदमाश है ये हवा। सीटी बजती है, छुक छुक होती है, दिखती नहीं रेल पर सुनाई देती है, आवाज कैसे आई? ये तो हवा और क्या। दिखती नहीं, बोलती नहीं, पर काम करती रहती है, ये तो है हवा। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।